दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर दुकान चलाते हैं या ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं या साइबर कैफ चलाते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो स्कूल की ओर से कस्टमर आते हैं। मतलब कि अब जो स्कूल होता है, ठीक है, 1 से 8 तक मिडिल स्कूल जिन्हें कहते हैं, मैं तो मिडिल स्कूल वाले को क्या हुआ है, मतलब कि जितने भी बच्चे का उनका एडमिशन उसके इन स्कूल में है, वो सबको अपलोड करना होता है सरकारी, मतलब कि वेबसाइट पे। तो किस वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है, उसमें क्या क्या लगता है, तो वो आपको हम बताएंगे। आपके पास जानकारी रहना जरूरी है ताकि आपके पास जब भी कस्टमर आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके, आप आसानी से उसका डाटा को अपडेट कर सके। उसके स्कूल को डाटा को अपलोड करना है आप, कि इस स्कूल में इस क्लास में इतना बच्चा है, उनका नाम, उनका फादर का नाम, उनका बैंक डिटेल ये है, और उसमें स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं जो मिडिल स्कूल होता है क्लास से 1 से 8 तक, वही आप आपके पास जब भी आएंगे स्कूल के स्टाफ या कोई, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं सोचा इसके बारे में आपको भी जानकारी दे दूं। तो इससे पहले मैंने क्या था एक स्कूल का, तो मैं आपको भी बता दूं ताकि आपके पास भी अगर इस तरह कस्टमर आए तो आप बड़ी ही आसानी से बिना किसी दिक्कत का कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बैंक अकाउंट, सॉरी, अगर आप चाहते हैं अपनी दुकान को बैंक में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे आप फ्री में SBI के APS लेके आप दुकान को बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिहार DLED में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन से पेमेंट तक का बताने की कोशिश की। इसी तरह का मैं आपके लिए नॉलेजफुल जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल की मदद से मिलती रहे। तो चलिए समय न गंवाते हुए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आ जाएंगे, नहीं तो आप गूगल में सर्च करेंगे medhasoft.bih.nic.in, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, मतलब वो जो स्कूल है वो स्कूल की कौन सा डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। आप क्लास 1 से या 12, क्लास 12 तक कर सकते हैं, इसमें दिया गया, ठीक है। तो आप जिस भी जिला में आपका स्कूल है, ठीक है, जिस भी स्कूल का आप कह रहे हैं, वो स्कूल किस जिला में स्थित है, किस जिला में है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप जिला सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर लेगा, तो जिला सेलेक्ट करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, रिडायरेक्ट कर दिया है। रिडायरेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि सभी कृपया सभी जिला स्कूल ब्लॉक स्कूल 15 दिसंबर से पहले अपने छात्रों के मिस्टेक विवरण को सत्यापन करें। इसमें निर्देश दिया जाएगा 15 दिसंबर तक में सभी विद्यार्थी का जो गलत हुआ है, मिस हुआ है, उसको आप सही कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप करते हैं, यहाँ पे स्कूल लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। स्कूल लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो स्कूल की ओर से आपके पास आया होगा ऑनलाइन करवाने, वो आपको देगा DIS कोड और मोबाइल नंबर, OTP देगा। ये OTP हर वक्त एक ही OTP रहता है, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जो DIS कोड मिलेगा वो देना है, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर मिलेगा HM का वो देना है, और OTP, ये तीनों आपको उनके द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें OTP भेजना नहीं पड़ता, उनके पास पहले से ही OTP रहता है जो कि लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो यहाँ पर आपको DIS कोड स्कूल जो आपसे कराना है उनसे ले लेंगे, और मोबाइल नंबर OTP ले लेंगे। तो ये सारा चीज़ फिलअप करना, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारा चीज़ इंटर कर चुका हूँ, OTP भी इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चर इंटर कर लेता हूँ, जो भी कैप्चर यहाँ पे शो कर रहा है उसी कैप्चर को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन देख रहा हूँ, लॉग इन करें पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए लॉग इन हो चुका है, लॉग इन होने पर कुछ इस तरह डैशबोर्ड आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है लॉग आउट, इससे आप लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ पे ये लॉग इन हो चुका है, आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे स्कूल का डिस्ट्रिक्ट है, जो भी स्कूल का डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल कौन सा ब्लॉक में पड़ता है और स्कूल का नाम क्या, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, ठीक
ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब अपडेट करने के लिए उसका डाटा आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में आना होगा। जैसे आप स्टूडेंट डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू स्टूडेंट एंट्री, तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली से अगर न्यू स्टूडेंट का उस पर डाटा अपलोड करना है, उसका नाम, बैंक अकाउंट वगैरह, तो आपको न्यू स्टूडेंट एंट्री पे क्लिक करना होगा। जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ वित्तीय वर्ष रहेगा जो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो DIS कोड आपने इंटर करके लॉगिन किया था वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास दिख रहा है, कौन सा क्लास का आप करना चाहते हैं, मतलब कौन सा क्लास का स्टूडेंट का डाटा आप अपलोड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए 1 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद भाग में आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना, हालांकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है फिर भी इसको कुछ नहीं करना है, और आपको खोज करें पे क्लिक कर देना है। जैसे आप खोज करें पे क्लिक करेंगे, खोज करें पे क्लिक करेंगे तो आप इस आपको इस तरह का एक छोटा सा फॉर्म दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दाखिला संख्या, जिस भी बच्चा का मतलब कि डाटा अपडेट करना है, उसका नाम वगैरह चढ़ाना है इस वेबसाइट पे, तो आपको ठीक है, जिस यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लिया, अभी इस क्लास के एक क्लास के बच्चे को मैं यहाँ पे उनका डाटा अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे दाखिला संख्या देंगे, दाखिला संख्या आप स्कूल को स्कूल की ओर से आपको मिलेगा, मतलब नामांकन संख्या, तो जो भी नामांकन संख्या आपको स्कूल की ओर से मिलता है वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे नामांकन की तिथि यानी कि दाखिला तिथि देना होगा, जिस डेट को इसका नामांकन हुआ होगा इस स्कूल में इतनी क्लास में, वो आपको यहाँ पे दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी मतलब विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है, विद्यार्थी का नाम जो भी हो वो आपको अंग्रेजी में लिखना होगा। उसके बाद विद्यार्थी के नाम हिंदी में लिखना होगा। हिंदी में नाम लिखने के लिए आपको एक गूगल इनपुट का आप हेल्प ले सकते हैं। किसी का भी नाम हिंदी में लिखने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यहाँ पे आपको मिल रहा है लैंग्वेज, लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपको हिंदी में चाहिए। उसके बाद जिस तरह आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं उसी तरह आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं उसी तरह आप यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी शो करेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो भी सही होगा नाम वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। तो जो भी नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह फादर का नेम इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में आपको वहाँ से लिख के कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसी तरह मदर का नाम भी आपको इसी तरह करना होगा, इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में आपको गूगल इनपुट टूल पे लिख के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ देने आप यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है, ईयर वाले बॉक्स में ही क्लिक कर दिए और बैक कीजिएगा तो ये बैक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर देना है, तो मैं जो इस पर क्लिक किया तो मंथ पे क्लिक हो गया, ईयर पे क्लिक हो गया, देख पा रहे, ये देखिए मेरा ईयर पे क्लिक हो गया। अब जो मैं कुछ नोट कर रहा हूँ नोट नहीं हो रहा है, इसलिए आप पहले इस पर क्लिक करेंगे, डेट वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेट वाले पे क्लिक करेंगे आप, डेट वाले पे क्लिक कर लेंगे इस टाइप का, ठीक है। इसमें जो फिलअप करने में बहुत परेशानी होती है डेट ऑफ बर्थ में, और यहाँ पे दाखिला तिथि में भी आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए दाखिला तिथि देने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे DD जो मिल रहा है डेट, इस DD के पहले D पे क्लिक करना होगा, पहले D पे क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट M पे या N पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपको बैक नहीं होगा, मतलब कि कुछ लिखा चलेगा तो वो हटेगा नहीं, उसके लिए फिर आपको दिक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए दाखिला तिथि या डेट ऑफ बर्थ देने के लिए सबसे पहले DD का पहला D पे क्लिक करेंगे, पहले D पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वार्ड गांव देना है, वार्ड जो भी जिस वार्ड का बच्चा हो, स्टूडेंट का जिस वार्ड में घर हो वो वार्ड दे देना होगा, ठीक है, या गांव। उसके बाद पूछ रहा अल्पसंख्यक, क्या यह बच्चा अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है या नहीं है।
गलत अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल कर लेते हैं नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है, ठीक है। क्या वार्षिक आय इनके गार्जियन के 1 लाख इतना से 1.5 लाख से कम है, तो इसमें यस कर देंगे कम है। ये तो अपने हिसाब से आप इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दाखिला टी वगैरह हिंदी में नाम। उसके बाद यहाँ पे लिंग पूछ रहा है, ये मेल है फीमेल, सुमन कुमार है तो मैंने फिलअप किया है, तो ये मेल है तो मेल। उसके बाद यहाँ पे सैनिक कैटेगरी, मतलब ये किस जाति के आते हैं, जनरल ओबीसी ईबीसी एससी जो भी जाति के आते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद पूछ रहा है दिव्यांग, क्या ये दिव्यांग है विकलांग है, अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनके गार्जियन का मोबाइल नंबर दे देना होगा, और याद रखना एक मोबाइल नंबर आपको 3 ही स्टूडेंट मिलेगा, ठीक है। तो एक मोबाइल नंबर आपके 3 ही स्टूडेंट मिलेगा, एक मोबाइल नंबर 3 से ज़्यादा स्टूडेंट में नहीं लेगा। उसके बाद ये सब फिलअप हो जाने के बाद बैंक बैंक का विवरण पे आएंगे, जो भी बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड जो भी है वो आपको आईएफएससी कोड देंगे, तो ये वेरीफाई कर देगा आईएफएससी कोड सही है या गलत है, किस बैंक का वो आपको दिखा देगा। अगर गलत आईएफएससी कोड डालेंगे तो ये आपको शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट नंबर दे रहा होगा, जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको आपको इसमें इस बॉक्स में इंटर करना होगा, ये वाले। उसी बैंक अकाउंट को आपको इसमें भी इंटर करना होगा, आपको दोनों बैंक अकाउंट में सेम ही नंबर देना है तभी ये सबमिट लेगा। उसके बाद पूछ रहा बैंक खाता किनके नाम पे, ये बैंक अकाउंट जो आप दिए किनका, विद्यार्थी का या विद्यार्थी के पिता का या माता का या अन का, अगर आप अन सेलेक्ट करेंगे तो यह रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको देना होगा अन में ये किसका है, तो मैं पिता का सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी का आधार नंबर देना होगा, तो यहाँ पे विद्यार्थी का आधार नंबर आप दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे विद्यार्थी का आधार कार्ड में नाम, विद्यार्थी के आधार कार्ड में क्या नाम है वो देना होगा। यहाँ पे नीचे में कह रहा है अगर आधार कार्ड में नाम और स्कूल में नाम अलग है तब आप आधार नंबर दे सकते, आधार नेम दे सकते अंग्रेजी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में देना होगा यहाँ पे नाम। अगर आपकी आधार कार्ड में और स्कूल में नाम दोनों अलग है तब आप दे सकते, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी यही यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। उसके बाद नाम दे देने के बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड सेव करें पे क्लिक कर देना, रिकॉर्ड सेव करें पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कोई फॉर्म नहीं दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और आपको एक नंबर दे देगा जो कि इसका स्टूडेंट का एक नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको इस क्लास में जितने बच्चे किए 10 के रिकॉर्ड आपको शो कर जाएंगे नीचे में, यहाँ पे देख पा रहे नीचे में शो कर जाएंगे। मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी है, मतलब कि स्टूडेंट का डिटेल है, तो यहाँ पे नीचे में आपको 10 शो कर जाएंगे। फिलहाल मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस स्कूल का टोटल स्टूडेंट का अप्लाई मतलब अपडेट कर चुका हूँ। उसके बाद फिर से हम यहाँ डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर आप उस बच्चा का हो चुका है, उसी तरह आप जितने भी स्टूडेंट का करना है, जितने भी छात्र का करना है, उसी तरह आपको न्यू स्टूडेंट एंट्री पे आके एंट्री कर लेना है। अगर मान लीजिए उस स्टूडेंट का कोई भी चीज़ गलत हो गया, ठीक है, तो गलत हो गया तो आप चाहते हो उसको चेंज करने के लिए मॉडिफाई करेंगे, फिर से स्टूडेंट डिटेल में आएंगे, मॉडिफाई स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस एंट्री है, तो ये सबको अभी कुछ नहीं करना, आपको सिंपली से यहाँ चेंज करना है तो मॉडिफाई स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करने में तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है किस क्लास का स्टूडेंट को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी डिटेल को चेंज करना चाहते हैं, क्लास को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेशन को आपको खाली छोड़ देना सेक्शन को। उसके बाद यहाँ पे सर्च कैटेगरी है, मतलब किससे आप सर्च करना चाहते हैं, लाभार्थी संख्या, जैसे आप सेव रिकॉर्ड करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का, न्यू स्टूडेंट का, तो उसमें आपको लाभार्थी आईडी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है आपको तो आप नीचे में जाएंगे, 10 स्टेटस मतलब 10 जो रिपोर्ट आपको शो करता है उसमें आपको लाभार्थी संख्या मिल जाएंगे, या आधार नंबर या खाता संख्या या ऑल से भी आप सेलेक्ट कर सकते, ऑल सेलेक्ट करेंगे तो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट होगा सभी का आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कितना बच्चा का आप दिखना चाहते हैं लिस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 स्टूडेंट का मैं दिखना चाहता हूँ। उसके बाद खोज करें भी क्लिक कर देना होगा, जिसे आप खोज करें भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जिस भी स्टूडेंट का आपको
चेंज करना है तो यहाँ पे उसका नाम वगैरह आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लाभार्थी आईडी भी मिल जाएगा, तो उसके एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिट कर सकते हैं आप बड़ी ही आसान तरीका से। तो उसके बाद एडिट कर सकते हैं, जिस तरह आपने फिलअप किया तो वही फॉर्म पे आपको लेके चले जाएगा, वहाँ से आप एडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपने तो स्टूडेंट का पूरा स्कूल का मतलब पूरा क्लास का स्टूडेंट का एंट्री कर चुका, मतलब उनके डिटेल को डाटा को अपडेट कर चुके हैं, मतलब वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं। अब आपको स्कूल के द्वारा बोला जाएगा, उसका एक रिपोर्ट निकाल दीजिए किस क्लास में कितना बच्चा का अपलोड हुआ है वो निकालने के लिए। ठीक है, ये तो अपलोड के इसमें आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर स्कूल वाले बोलेंगे कि वो जितना का आपने अपलोड किया है उसका एक रिसिप्ट निकाल दीजिए, मतलब निकाल दीजिए मतलब रिसिप्ट समझ जाइए। तो उस वो निकालने के लिए यहाँ पे रिपोर्ट बटन पे आएंगे, रिपोर्ट बटन पे आने के बाद यहाँ पे चेकलिस्ट है और डिलीट बेनिफिशियरी रिकॉर्ड, जिसको आप ऐड किए हैं उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक बेनिफिशियरी लिस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, रिपोर्ट डाउनलोड करना है कितना आप किए हैं कौन से क्लास में, तो यहाँ पे रिपोर्ट में आएंगे उसके बाद चेक लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्लास कौन सा क्लास का आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो मैं क्लास वन का सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद कैटेगरी कि मतलब यहाँ कह रहा है कि आप अल्पसंख्यक का निकालना चाहते हैं या सभी का, तो यहाँ पे आपको ऑल का, यहाँ पे कैटेगरी आप किस जाति के स्टूडेंट को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑल कर देना है। यहाँ पे जेंटल यानी कि मेल या फीमेल किसका डिटेल निकालना चाहते हैं तो ये सभी को आपको ऑल कर देना है, क्योंकि मुझे पूरा क्लास का ही लिस्ट चाहिए। तो उसके बाद ये सब ऑल करने के बाद यहाँ पे आप डिसेबिलिटी में को भी ऑल कर देंगे, यानी कि सिर्फ विकलांग का लिस्ट निकालना है, तो यहाँ पे सबको आपको ऑल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑल रिकॉर्ड ऑफ स्कूल, इस क्लास में मैंने 33 स्टूडेंट का मतलब कि डाटा अपलोड किया था, उनका नाम वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, जितने भी इस क्लास में जितने का भी आप करेंगे वो शो कर जाएगा। तो मैंने इस क्लास में 33 का कर चुका हूँ, तो मुझे 33 पे क्लिक करना होगा, जितना आपका है उस पर आपको क्लिक करना होगा, इस पर हमको क्लिक करना होगा इसका डाटा निकालने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो डाटा, सारा डाटा आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, यहाँ से आप प्राइस साइड कर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे एक सेव का आइकन दिया गया, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए सेव के आइकन पे क्लिक करना होगा, ये वाले सेव का आइकन जो आपको मिल रहा है, इस सेव के आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिले, एक्सेल में आप इस रिपोर्ट को लेना चाहते हैं या पीडीएफ में या वर्ड में, तो मैं पीडीएफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे पीडीएफ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, न्यू पेज न्यू टैब ओपन हो चुका है। न्यू टैब ओपन होने के बाद नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिपोर्ट डाउनलोड मेरा हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपने सीखा न्यू स्टूडेंट का एंट्री करना, मॉडिफाई करना, उसके बाद उसका रिपोर्ट निकालना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपने सीख लिया किसी भी स्कूल का, क्लास 1 से 12 तक के किसी भी स्कूल का उस स्टूडेंट का एंट्री करना, उसका पूरा डिटेल नाम वगैरह अकाउंट डिटेल वगैरह अपलोड करना। अब जो अकाउंट डिटेल अपलोड किए उसी पर उनका स्कॉलरशिप वगैरह सारा चीज आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ पूरी विस्तार से समझाने की। अगर आपको समझ पूरी तरह से विस्तार से आ गया है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए, ताकि हमें भी पता चले हमारा वीडियो आपको कैसा लगे। इसी तरह का नॉलेजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।